हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NVS का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें TGT का कितना सैलरी मिलता है TGT को। और आप लोगों ने जो कुछ भी डाउट पूछा था कमेंट सेक्शन में, सारे डाउट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो रिवाइज सैलरी रूल है उसके हिसाब से आपका कौन सा अलाउंसेस कितना मिल रहा है अभी के टाइम में, और कुल मिला के सारे अलाउंसेस मिला के आपका कितना सैलरी बनेगा 2022 में अगर आप ज्वाइन करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है बेसिक पे, जिसके ऊपर आपका जो बाकी अलाउंसेस डिपेंडेंट होता है। बेसिक पे TGT को अभी मिल रहा है 44,900 मिलता है NVS में। DA यानी कि DNS अलाउंसेस अभी आपको मिल रहा है 31%। बेसिक का 31% अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा 13,919 रुपये। उसके बाद है TA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ये फिक्स है 1,800 रुपये हर एक को मिलता है। DA ऑन TA का मतलब है अगर आपको जितना TA मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस उसका अगर आप DA निकालेंगे यानी कि 31% निकालेंगे तो वो बनेगा 558 रुपये। ठीक है, HRA आपको बिल्कुल मिलता नहीं है NVS में, क्योंकि NVS एक रेजिडेंशियल स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, और आपको जो है वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर प्रोवाइड्स किए जाते हैं, इसीलिए आपको HRA नहीं दिया जाता है। और बहुत अच्छे लेवल का क्वार्टर आपको मिलता है रहने के लिए। तो HRA के बाद RA, RA का मतलब होता है रेसिडेंशियल अलाउंसेस, जो कि हर एक टीचिंग पोस्ट के लिए मिलता है। और TGT जो है टीचिंग पोस्ट के अंदर आता है तो RA अलाउंसेस आपको मिलेगा। और जो बेसिक का 10% है उतना आपको RA मिलता है। तो RA अगर बेसिक का हम 10% निकालेंगे तो वो बनेगा 4,490 रुपये आपका बनेगा। SDA का मतलब होता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस, और RLA का मतलब होता है रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस। ये दोनों अलाउंसेस जो है हार्ड स्टेशन पे आपको मिलता है, जो हार्ड शिफ्ट एरिया में रहते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, और जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनको ये अलाउंसेस नहीं मिलता है। SDA जो मिलता है अभी के टाइम में आपका, आपको SDA अभी मिल रहा है 10% बेसिक का, जो कि 4,090 रुपये बनेगा। और RLA अभी आपका फिक्स है 3,500 रुपये अभी हर एक कैंडिडेट को मिल रहा है। ठीक है, इन सब को अगर आप मिला लेंगे, बेसिक, DA, TA, DA ऑन TA, HRA, RA अलाउंसेस, SDA अलाउंसेस और RLA अलाउंसेस, सबको मिलाने के बाद आपका जो बनेगा वो ग्रॉस सैलरी बनेगा, जितना कि आपका सैलरी बन रहा है। और ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा सबको मिलाने के बाद 73,657 रुपये आपका बनेगा। लेकिन इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, इसमें से जो है आपका NPS डिडक्शन होता है। NPS कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिक और DA को मिला लीजिए और दोनों को मिलाने के बाद उसका 10% निकालिए, वो होता है आपका NPS डिडक्शन का अमाउंट। बेसिक और DA को मिलाने के बाद आपका जो NPS अमाउंट बनता है वो बनेगा 5,882 रुपये आपका NPS के लिए डिडक्ट होता है। और 73,657 रुपये से अगर आप 5,882 रुपये को डिडक्ट करते हैं तो आपका बनता है नेट सैलरी, जो कि अभी के टाइम में मिलेगा आपको कितना, 67,775 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगा। ये जो सैलरी है 67,775 रुपीज़ सैलरी, ये हार्ड स्टेशन या जो हार्ड एरिया में ड्यूटी करेंगे या लोकेटेड होंगे उनको ये सैलरी मिलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट प्लेन एरिया में ड्यूटी करेंगे उनको ये दोनों अलाउंसेस नहीं मिलेगा। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हार्ड स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं उनका नेट सैलरी बनता है 67,775 रुपीज़। और जो भी कैंडिडेट प्लेन एरिया में ड्यूटी करते हैं उनको ये दोनों अलाउंसेस नहीं मिलेगा, मतलब उनका जो है इन दोनों अलाउंसेस को छोड़ के नेट सैलरी बनेगा कितना, 59,785 रुपीज़ उनको सैलरी मिलेगा। और इन दोनों के बीच में सैलरी डिफरेंस कितना है, लगभग 7,990 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि करीब 8,000 का डिफरेंस है। और अगर आपको 59,000 भी सैलरी मिल रहा है, 59,000 या फिर 67,000, किसी भी लोकेशन में आपको सैलरी मिले, बहुत ही अच्छा सैलरी मिल रहा है NVS में, आपको इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। और आपको मोटिवेशन मिले इसके लिए हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया, और बहुत सारे कैंडिडेट ने इसके रिगार्डिंग कमेंट भी किया था। और भी बहुत सारे अलाउंसेस टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं इसके अलावा,
आपका जो सैलरी है एनबीएस में जाने के बाद इससे ऊपर ही होगा, इससे बिल्कुल कम सैलरी आपको नहीं मिलेगा। और कहीं भी कुछ डाउट या डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जाके जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल हम दे चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और आगे भी हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे बुक्स का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसमें से कुछ बुक्स परचेज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अदर कहीं से भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।